जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड डिफेंस जोन पे। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड पंचायती राज भर्ती को लेकर। तो फ्रेंड, इस जिले से भर्ती आ चुकी है और इनका विज्ञापन भी जारी हो गई है, तो वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं फ्रेंड। और सभी जिलों में धीरे धीरे वैकेंसी आ रही है झारखंड पंचायती राज स्तर पर। तो फ्रेंड, वीडियो पे आप सभी अंत तक बने रहे। किस जिले में भर्ती आई है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे, पल पल की अपडेट सबसे पहले इसी चैनल से मिलती रहेगी। तो चलेगा आज विज्ञापन के ऊपर। तो जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। तो फ्रेंड, आप सभी ऑफिशियल विज्ञापन के ऊपर आ चुके हैं और ये जो भर्ती निकल कर आई है फ्रेंड, देख सकते हैं, उपायुक्त का कार्यालय जिला पंचायत राज कार्यालय देवघर। जी हाँ, देवघर जिले के अभ्यर्थी ही देवघर जिले में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये जिले वाइज वैकेंसी आएगी, आप सभी ध्यान से सुने, सभी जिले में भर्ती आएगी और आप सभी अपने जिले में ही आवेदन करें, ठीक है। तो देख सकते हैं, कनिक अभियंता की जो सैलरी दी जाएगी 17,000, लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर पे 10,000 सैलरी दी जाएगी। आज कनिक अभियंता में 39 पद है और देख सकते हैं कनिक अभियंता यानी टोटल 20 पद है। जनरल के लिए 10 पद हैं, BC2 के लिए 2, BC1 के लिए 3, SC के लिए 3, ST के लिए 2। तो गाइस, ये जो भर्ती निकल कर आई है, ये देवघर जिले से निकल कर आई है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं, नोट दी गई है, आयुक्त संथाल प्रगना प्रमंडल तुमका द्वारा कोटीवार आरक्षण रोस्टर स्वच्छ किए जाने के प्रत्याशा में विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा। अंतिम रूप से रोस्टर क्लियरेंस परिवर्तन होने पर कोटीवार आरक्षण परिवर्तन हो सकता है। शैक्षणिक योग्यता गाइस, डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, 50%। ST SC अभ्यर्थियों के लिए और जो जनरल हैं OBC उनको लिए 60% अनिवार्य योग्यता है, ठीक है गाइस, ठीक है। और इनकी उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष रहेगी और आपकी जो एज की जो गणना की जाएगी 1/1/21 से, कट ऑफ जो डेट रहेगा 1/1/21 से रहेगी गाइस, ठीक है। चयन की जो प्रक्रिया है, जिला स्तरीय और चयन समिति करेगी, ठीक है। आप सभी का जो भी अनिवार्य है, अनुभव है, विषय ज्ञान है, संबंधित जांच डॉक्यूमेंट है, सभी को मिलाकर आप सभी का मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो चलिए, टोटल जो फ्रेंड 100 नंबर होंगे, जिनमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 50, वांछित योग्यता 10, अनुभव 30, विषय ज्ञान 10, टोटल 100, जिनमें 40% अंक अनिवार्य है, ठीक है। लेखा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए गाइस, टोटल 39 पदों पर भर्ती है, ST के लिए 5, SC के लिए 5, BC1 के लिए 5, BC2 के लिए 4 और जनरल के लिए 20 पद है, यानी टोटल 39 पद है। इनकी भी योग्यता है गाइस, जो भी BCOM BSc गणित में किए हैं अथवा सांख्यिकी में किए हैं, और 50% चाहिए OBC जनरल छात्रों के लिए, ST SC विद्यार्थियों के लिए 45% अंक, ठीक है। और इनकी भी जो एज है फ्रेंड, उम्र सीमा है सेम रहने वाली है 1/1/21, अधिकतम उम्र सीमा 40 रहेगी, ठीक है। और इनकी भी जो है मेधा सूची की तैयारी उसी तरह की जाएगी जो पहले पोस्ट पे थी, ठीक है गाइज। और फ्रेंड, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आवेदन समय पर आप जो आवेदन समर्पित करेंगे उनकी जो यहाँ पर दी गई है, ठीक है, पता जिला पंचायत राज पदाधिकारी देवघर, पता विकास भवन देवघर समरणालय देवघर, पिन कोड 81/41/12 पर भेजना होगा, ठीक है। और हाल ही का फोटो चाहिए गाइस, ठीक है। और आप सभी इस देवघर nic.in पे भी विज्ञापन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो शुल्क है, कनिक अभियंता लेखा सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 500 रखे गए, जनरल OBC के लिए, ST SC महिला पुरुष के लिए 300 शुल्क लगेंगे, ठीक है गाइस। आप सभी को बैंक ड्राफ्ट बनाने होंगे, ठीक है, देवघर, या देख सकते हैं बैंक ड्राफ्ट बनाने होंगे 300 और 500 रुपये की। और इनकी जो अंतिम तिथि रखी गई है 23/3/2021, आप सभी को भेजने होंगे, जिनमें लिफाफा होना चाहिए और 22 रुपया का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है गाइस। देख सकते हैं 22 रुपया का डाक टिकट अनिवार्य रूप से संग्रहण करना होगा, नहीं तो फ्रेंड आप सभी को कैंसिल भी कर दी जाएगी, ठीक है गाइज। तो आप सभी फटाफट जाकर अप्लाई कर दीजिए ऑफलाइन, क्योंकि दोस्तों समय नहीं है, ठीक है। अब 15 दिनों के अंदर पूर्ण जांच प्रतिवेदन प्रसिद्ध किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड, वो पावती भी रखेंगे गाइज। तो आप सभी के लिए फ्रेंड यही एक अपडेट थी, फटाफट आप सभी जाकर इस फॉर्म को अप्लाई। तो गाइज, ऐसे ही एक फॉर्मेट मिलेगी A4 साइज को, ये आपको प्रिंट निकालने हैं देवघर समरणालय से, और आपका जो नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रता, मोबाइल एड्रेस, ईमेल और आपका क्वालिफिकेशन, सारे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को भरने होंगे और आप सभी को संलग्न करने हैं साथ में, घोषणा करना है, इसके बाद आप सभी को सेंड करने हैं, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड, आपसे भी एक अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों पे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।